हेलो फ्रेंड्स, MySQL सीखने की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस के बारे में। यहाँ पर हम दो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, काउंट और सम फंक्शन के बारे में। तो ये MySQL डेटाबेस ट्यूटोरियल सीरीज की 17th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। इनको हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। कुछ फंक्शंस हैं जो MySQL में ऑलरेडी हमें इनबिल्ड पहले से बने बनाए मिलते हैं, जिनको यूज करके हम क्वेरीज राइट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ये 5 या 6 होते हैं तो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ दो फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, काउंट और सम फंक्शन। इनको देखेंगे प्रैक्टिकली करके कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसके लिए सबसे पहले मैं अपना यहाँ पर मैं PHP माई एडमिन अपना लोकल होस्ट में इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ से हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले वाले वीडियोस में देखा होगा कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था यहाँ पर माई डेटाबेस नाम से। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर हमें इसका कंटेंट यहाँ पर शो करेगा जिसमें कुछ टेबल्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एम्प्लॉइज नाम की टेबल को ओपन करता हूँ तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ एम्प्लॉइज बनाए थे, जो कि हमने पहले वाले वीडियोज में भी आपने देखा होगा, वहाँ पर हमने क्वेरी लिखी थी। तो यहाँ पर मैंने ये टेबल बनाई है एम्प्लॉइज नाम से, जिसमें कुछ फील्ड हैं आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट, सिटी और सैलरी। यहाँ पर 8 एम्प्लॉइज मैंने यहाँ पर स्टोर किया हुआ है इनका डेटा। तो अब हम इस टेबल के ऊपर यहाँ पर हम क्वेरी करके देखेंगे उन फंक्शंस का यूज करके, कैसे हम सम फंक्शन और काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं और ये क्या काम आते हैं। तो क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहले मैं SQL टैब पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं जो बाय डिफॉल्ट क्वेरी है इसको मैं यहाँ पर रिमूव करके यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम काउंट फंक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं टेबल की जो कॉलम्स हैं वो हमें यहाँ पर शो करता है। तो हमें बार बार उस टेबल पे अगर कॉलम नहीं पता तो वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो अब काउंट, जैसे कि नाम से ही पता है काउंट फंक्शन क्या करता है, ये कुछ वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज कह सकते हैं, नंबर ऑफ रोज काउंट करने के काम आता है, ठीक है। एक काउंट फंक्शन है जिसके अंदर एक हम फील्ड यहाँ पर वहाँ पर पास करेंगे उसमें, तो उसको एक काउंट करने के काम में आता है। तो जैसे अभी हम यहाँ पर एम्प्लॉइज टेबल है तो इसमें हम क्वेरी लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट से हम देखना चाहते हैं कि हमारे टेबल में टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। अभी तो 8 है तो हम वैसे भी काउंट कर सकते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं तो उनको हम काउंट करने के लिए फंक्शन का यूज कर सकते हैं, काउंट फंक्शन का। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका कैसे यूज करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट, ठीक है, जो हम नॉर्मल लिखते हैं सेलेक्ट। अब यहाँ पर सेलेक्ट के बाद आपको यहाँ पर जो फंक्शन होता है काउंट उसको यूज करना होगा, ठीक है, काउंट, ठीक है। इसको स्मॉल और कैपिटल दोनों में यूज कर सकते हैं, मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पर इस काउंट में यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू पास करनी है, जैसे कि हमने बोला था कि हम उस टेबल में एम्प्लॉइज काउंट करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉई का जैसे पहली आईडी है पहला कॉलम उस टेबल में, सेकंड है फर्स्ट नेम। तो लेट्स से हम फर्स्ट नेम को काउंट कर लेते हैं, कितने फर्स्ट नेम है, मतलब उतने ही एम्प्लॉई है हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें हम ये फील्ड यहाँ पर, ये कॉलम यहाँ पर पास करते हैं, लेट्स से फर्स्ट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम को हम काउंट, अब इसका मतलब है कि उस टेबल में ये फर्स्ट नेम को काउंट करेगा, कितने फर्स्ट नेम उसमें स्टोर है, मतलब कि कितने एम्प्लॉयज उसमें स्टोर है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइन में कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको नेक्स्ट लाइन में भी लिखें, बट मैं क्लियर दिखे इसलिए मैं इसको अगली लाइन में लिख रहा हूँ। एक ही क्वेरी है सेलेक्ट काउंट फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पर आपको फ्रॉम कीवर्ड और यहाँ पर अब उस टेबल का यूज करना होगा जिस टेबल पे हम ये क्वेरी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो है हमारे पास एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अभी आगे देखेंगे हम। तो अभी हम ये छोटी सी क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है सेलेक्ट काउंट फंक्शन, और उसके बाद हमें जो भी कोई एक कॉलम वहाँ पर पास करना है जिसको वो काउंट करेगा, और फ्रॉम के बाद उस टेबल जिस टेबल पे हम ये क्वेरी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल सी क्वेरी होगी सेलेक्ट काउंट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉयज टेबल में जो फर्स्ट नेम है उनको काउंट करेगा, मतलब कि कितने एम्प्लॉयज उसमें स्टोर है उनको काउंट करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो
तो आप देखेंगे क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और यहाँ पर इसका आउटपुट यहाँ पर शो कर रहा है 8। तो हमने देखा था कि हमारे पास 8 एम्प्लॉइज स्टोर थे, तो वहाँ पर इसका आउटपुट ये 8 यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काउंट फर्स्ट नेम ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिखाएगा काउंट फर्स्ट नेम जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेरी को एक बार वापस से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें वापस से लिखना ना पड़े, ठीक है। और यहाँ पर मैं वापस से इस क्वेरी को वापस पेस्ट करता हूँ। तो अभी आपने आउटपुट देखा था वहाँ पर वो 8 दिखा रहा था वैल्यू, तो वो यहाँ पर 8 के ऊपर जो उसका हेडर बोल सकते हैं वो टाइटल क्या था ये, ठीक है। तो आप इस टाइटल को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। जैसे मैं अगर इसका आउटपुट वापस से शो करूँ, वापस से इसको रन करवाता हूँ, तो यहाँ पर 8 एम्प्लॉय यहाँ पर शो कर रहा है, इसका टाइटल है ये देख रहे हैं आप, ये इसका बाय डिफॉल्ट टाइटल जो हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं वो एज इट इज यहाँ पर शो कर रहा है। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस क्वेरी को वापस से पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी जो टाइटल है आउटपुट तो 8 शो कर रहा है, बस उसका टाइटल ये दिखा रहा है, ठीक है, काउंट फर्स्ट नेम, जो कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेट से हम उसका टाइटल रखना चाहते हैं, हेडर का नेम बोल सकते हैं, और रखना चाहते हैं हम टोटल एम्प्लॉयज, ठीक है, सुविधा के लिए। अभी हो सकता है इससे पता ना चले कि ये टोटल एम्प्लॉयज है या नहीं, कोई और देखे तो यहाँ पर हम उसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। इसके आगे हमें आपको लिखना होगा एज, ठीक है, एज एक कीवर्ड है, और उसके बाद हमें वो नेम यहाँ पर डिफाइन करना है जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वो जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, लेट से यहाँ पर मैं इसको एज टोटल एम्प्लॉय, ठीक है, एज टोटल एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर क्वेरी बन गई कंप्लीट, सेलेक्ट काउंट, ठीक है, एज मतलब कि जो ये इसका आउटपुट आएगा उसका जो टाइटल है उसको हेडर है उसका लिखना है एज, यहाँ पर उसका नेम हमने यहाँ पर टोटल एम्प्लॉयज दिया है। और अब अगर इसको मैं यहाँ पर रन करूँगा तो आप देख रहे हैं इसका आउटपुट 8 ही आ रहा है, बट यहाँ पर जो टाइटल है वो अपने अकॉर्डिंग आ रहा है, पहले बाय डिफॉल्ट उसी को यूज़ करता था, अब ये अपने अकॉर्डिंग आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि हमने दिया था टोटल एम्प्लॉयज, तो यहाँ पर टोटल एम्प्लॉयज ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ काउंट फंक्शन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं एक दूसरा फंक्शन जो है सम फंक्शन। सम इसके नेम से ही आपको पता है कि ये किसी का वैल्यूज का सम करेगा, उसका सम हमें रिटर्न करेगा। तो जैसे हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल की बात करें तो इसमें हमारे पास यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो इसमें हमारे पास ये फील्ड है, तो यहाँ पर एक सैलरी हमारे पास कॉलम है जिसमें सैलरी है। तो लेट से हम टोटल एम्प्लॉयज की सैलरी है उनको काउंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें उनको उनका सम चाहते हैं कितनी सैलरी का टोटल कितना है, तो हम इस सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वो हम करके देखते हैं, यूज़ करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है जो हमने अभी किया था। जैसे सेलेक्ट, अब यहाँ पर लास्ट टाइम पे हमने काउंट यूज किया था, अब की बार हम सम यूज करेंगे, ठीक है, सम। और यहाँ पर हमें किन का सम करना है वो यहाँ पर हमें पास करना होगा, लेट से सैलरी, ठीक है, फ्रॉम, आप वो नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं या फिर इसी लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता। फ्रॉम टेबल का नाम यहाँ पर हमें देना होगा एम्प्लॉयज, वेहर, अब की बात हम वेहर की वर्ड का भी इसमें यूज करके मैं बताऊंगा, पहले सिंपल हम इसी को रहने देते हैं, ठीक है, छोटी सी क्वेरी रन करते हैं एक बार, सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्या करेगा, एम्प्लॉयज में जो सैलरी कॉलम है उसका सम करके यहाँ पर शो कर देगा। और अभी जैसे कि उसका टाइटल हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज, ठीक है, एज हम टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं टोटल सैलरी, ठीक है, टोटल सैलरी, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट हम चेक करेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल सैलरी का सम आप देख रहे हैं यहाँ पर 315,000, जो उन टोटल सैलरी है उस कॉलम का सम यहाँ पर शो कर रहा है, और टाइटल भी अपने अकॉर्डिंग आया है टोटल सैलरी, ठीक है। अब एक बार मैं वेयर कीवर्ड का यूज करके भी इसको हम देख लेते हैं, तो आपको वेयर कीवर्ड का भी रिवाइज हो जाएगा, उसको रिविजन हो जाएगा। तो मैं इसको कॉपी करके वापस से यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो जैसे सेलेक्ट सम सैलरी, ठीक है, उसका सम करेगा रिटर्न, एज यहाँ पर हमने कॉलम का हेडर है जो टाइटल हमने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया, इसको नहीं भी कर सकते हैं वो आपने देख चुके हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से अब हम यहाँ पर वेयर कीवर्ड का भी यूज करके मतलब कि यहाँ पर कंडीशन से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वेयर लेट से अब हम क्या करना चाहते हैं कि अभी तो सारी सैलरीज का जो कॉलम था उस सबका टोटल किया था, ठीक है, हम चाहते हैं कि लेट से 50,000 से अबव वाली जो सैलरी है उनका सम करें, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, लेट से अब मैं करूँगा यहाँ पर वेहर
मतलब कि सैलरी को ही काउंट करना है, बट सब सैलरी को काउंट नहीं करना है, हम यहाँ पर कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं आपकी बात की, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, ग्रेटर देन 50,000, ठीक है, ये हमने कंडीशन अब की बार यहाँ पर डिफाइन की है। ये क्या करेगा, सैलरी का काउंट करेगा जिनकी सैलरी 50,000 से अबव है, ठीक है। तो अब मैं इसका आउटपुट अगर चेक करता हूँ यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि टोटल सैलरी यहाँ पर आउटपुट अब की बार सिंपल 60,000 दिखा रहा है। तो हम अगर टेबल में जाके चेक करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि हमारे टेबल में जो सैलरीज हैं इस कॉलम में 50,000 से अबव सैलरी कितनी है, ओनली वन है 60,000, ठीक है, और 50,000 से बिलो हैं या फिर इक्वल है, ठीक है, हमने अबव वाले काउंट किया तो ओनली एक है 60,000, तो इसका सम भी वो 60,000 यहाँ पर प्रिंट कर रहा था। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं दो फंक्शंस के बारे में, सम और काउंट के बारे में। अभी ये टोटल सिक्स होते हैं, तो फोर और हैं जिनके बारे में हम वन बाई वन आगे की वीडियोज में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल पर मैं कंप्यूटर साइंस के लिए एक वीक में 5 वीडियो यानी मंडे टू फ्राइडे एक वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इतना ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, क्योंकि इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ओनली पढ़ेंगे तो आपको पता है कि भूल जाएंगे क्वेरी कैसे लिखेंगे। इसमें जैसे कोड है, एक तरीके से कोडिंग है, तो इसका सिंटैक्स वगैरह आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये याद रहेगा, अगर आप भूल जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियोज़ को देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।